दोस्तों आदाब, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आज फिर आपका दोस्त आपके सामने लेकर आया है उर्दू टीचर का 23वां हिस्सा। आज मैं आपको इस लेसन में छोटा ऊ किस तरह से बनता है या छोटा ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक आप बड़ी तक की मात्राएं पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं इस लेसन में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिस सबसे जल्दी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसमें आपका कुछ नहीं जाना है, सिर्फ लाल बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों छोटा ऊ से शुरू होने वाले शब्द और मात्रा के जो शब्द हैं वो मैं आज को बता रहा हूँ। छोटा ऊ की मात्रा जब किसी हर पर पेश लग जाता है तो वहां छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था जबर, जेर और पेश उर्दू में सिर्फ समझने के लिए शुरू में लगाए जाते हैं, बाद में जब आपकी जुबान पर चढ़ जाते हैं तो ये लिखने में नहीं लगते हैं। तो जब हम पेश यानी एन पेश ऊ और अलिफ पेश ऊ, तो ये क्या होंगे, पेश लगाने से मात्रा छोटा ऊ की लग जाएगी या शुरू में आएगा। तो अलिफ और एन से छोटा ऊ बनेगा इस पर जब पेश लगेगा। जैसे यहां पर देखिए अलिफ पेश ऊ, छोटा ऊ और पे के तीन नुक्ते तो बना पा उप, काफले जबर का और रे साकिन उपकार, ये क्या बना उपकार। इस तरह से लिखा जाएगा छोटा ऊ की, सिर्फ अलिफ पर ये पेश लगा है तो ये छोटा ऊ हो गया, ये हो गया उपकार। अब दूसरा देखिए अलिफ पेश ऊ और सीन उस, ये उस इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको यहां अलिफ से बना था, यहां एन से, एन पेश ऊ और से सा, मीम अलिफ ज़र मा, उस्मा और नून से ना, उस्मान इस तरह से लिखा जाएगा। यहां पर देखिए अलिफ पेश ऊ और नून से ना, उन इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए यहां फिर एन पेश ऊ, नून के ये नुक्ता, नून से बना ना, वाव अलिफ ज़र से वा में आकर डंडा और नून से बना ना, तो क्या हो गया उनवान। देखिए यहाँ पे एन पेश ऊ, यहाँ पर देखिए पेश नहीं लगाया कहीं कहीं, समझने के लिए अभी मैंने छोड़ दिया है। एन पेश ऊ उल्ला उल, मीम अलिफ ज़र मा और हमजा उल मा, एन पेश ऊ मीम और रे, ये क्या है उम्र। अब आपको बस यही, आपने एक बार उम्र देख लिया कि एन से लिखा आपके दिमाग में चढ़ गया तो आगे जिंदगी भर आप एन से ही उम्र लिखेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी यू टी कहीं कट होता है, कहीं सी से सा भी बनता है, कहीं का भी बन जाता है, तो ये जितने ज्यादा लफ्ज आप सीखेंगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। देखिए यहां पर मैंने पेश नहीं लगाया तो अलिफ पेश, लेकिन पढ़ेंगे हम अलिफ सीन पेश उस, ते अलिफ जबर ता, उस्ता और दाल से दा, उस्ताद, ये उस्ताद इस तरह से लिखा जाएगा। अलिफ पेश ऊ, दाल अलिफ दा उदा और सीन से सा, उदास इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए अलिफ पे पेश उप, बाव अलिफ जबर बा उप बा और सीन से सा, क्या हो गया उपबास इस तरह से लिखा जाएगा। एन रे, एन पिस ऊ, रे और सीन, क्या हो गया उर्स। अलिफ गा पेश उग, नून अलिफ जवन्ना उगना, सूरज का उगना। एन मीम पेश उम, रे हे जबर्रह उम्रह इस तरह से लिखा जाएगा। अलिफ नून पेश उन, का फलिप जबर का उनका इस तरह से लिखा जाएगा। अलिफ लाम पेश उल,
दाल नून जबर दन उल दन इस तरह से लिखा जाएगा। अलिफ सीन पेश उस काफ अलिफ जबर का उस का अलिफ सीन पेश उस ते से बना तारे अलिफ जबर रा उस तरह इस तरह से लिखा जाएगा उस तरह। अलिफ पेश उ जीम अलिफ जबर जा उजा लाम अलिफ जबर ला उजाला। अलिफ पेश उ गाफ अलिफ जबर गा उगा या अलिफ जबर या उगा या। यहाँ देखिए ये के दो नुक्ते हैं कि अलिफ जबर या उगा या इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर मीम पर तस्दीक नहीं चढ़ी, यहाँ पर मीम पर तस्दीक भी चढ़ती है तो उसे दो बार पढ़ा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं ये जब तस्दीक चढ़ी होती है तो इसको दो बार पढ़ा अलिफ मीम पेश उम और मीम ते जबर मत उम मत इस तरह से लिखा जाता है। जिस पर भी ये चढ़ी होगी उसको दो बार पढ़ा जाएगा अलिफ मीम पेश उम मीम ते जबर मत उम मत इस तरह से लिखा जाएगा उम्मत। अलिफ पेश उ जीम अलिफ जबर जा उजा लाम अलिफ जबर ला उजाला। एन पेश उ रे और फे उर्फ इस तरह से लिखा जाएगा। एन मीम पेश उम दाल हे से दा उम दा इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए वहां पर छोटा ऊ था लेकिन यहाँ पर क्या छोटा ऊ की मात्रा आ रही है तो ते मीम पेश तुम। देखिए यहाँ पे पेश लगा नहीं है लेकिन पेश लगा नहीं है लेकिन हम रवानी के लिए पढ़ते हैं कि यहाँ पर पेश लगा हुआ है हमारे जहन में है कि लगा हुआ है पेश तो ते मीम पेश तुम। खे पेश खु दाल दा खुदा इस तरह से लिखा जाएगा। खे बाव पेश खु और दाल से दा खुद इस तरह से लिखा जाएगा। खे बाव पेश खु और दा खुद गैन रे और ज्वाद खुद गर्ज और ये जा बनेगा जो इस पे क्या होता है इसके नीचे नुक्ते वाले जा होते हैं ज्वाद से जो बनता है ये नुक्ते वाला होता है। ये गावी बना ये नुक्ते वाला गैन से बना तो इसलिए इसके नीचे नुक्ता आ गया तो ये क्या हो गया खुद गर्ज इस तरह से लिखा जाएगा। कापिश कु मीम अलिफ जबर मा कुमा रे ये जेरी कुमारी इस तरह से लिखा जाएगा। गाफ मीम पेश गुम ये मीम का गोल गोल रे अलिफ जबर रा गुमराह और हे से हा गुमराह इस तरह से लिखा जाएगा। जीम रे पेश जुड़ नून अलिफ जबर ना जुड़ ना इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर भी पेश नहीं लगा है लेकिन जा में छोटा की मात्रा लगी है। देखिए यहाँ पर मैंने पेश लगा दिया है तो यहाँ पे मीम पेश मु और काफ टे से कापिस कु और टे से टा मुकुट ये दोनों जगह पेश होगा लेकिन लिखा कहीं नहीं जाएगा मुकुट। अब देखिए पे दो चश्मी है से बना फा और फा में अलिफ से लगा आकंडा पे हे दो चश्मी अलिफ जबर फा गाफ पेश गु और नून से ना फागुन ये हिंदी का महीना जो है उसको कहते हैं फागुन इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए छोटा ऊ की मात्रा जब ये बीच में लगता है तो कहीं कहीं मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं कहीं ये बाव से भी छोटा ऊ की मात्रा लगती है और कहीं कहीं पेश से भी लगती है। कुछ लफ्जों में है जहाँ बाव से क्योंकि बाव से आप आगे आगे देखेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा ओ की मात्रा औ की मात्रा ये सब बाव से ही लगती हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कुछ लफ्ज हैं ये लफ्ज है खुशी तो इसमें बाव से छोटा ऊ की मात्रा लगी इसको लिखते खुशी हैं लेकिन पढ़ते खुशी हैं तो खे वापिस खु इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी और शीन ये जिर शी खुशी इस तरह से लिखा लेकिन इधर बाव पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा बाव से लगी हुई है लेकिन हर जगह नहीं लगती है हर जगह वाव से बड़ा ऊ ए और आई की मात्रा लगेगी जो आगे के लेसन में आप समझेंगे बहुत अच्छी तरह से अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। गापिस गु फेल जफा गुफा इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए गाफ द
दो चश्मी है पेश घू और लाम से ला, ये लिखा हुआ है घुल घुल। गाब दो चश्मी है पेश घू और लाम से ला घुल। टे का पेश टुक रे ये जेड़ी टुकड़ी, इस तरह से लिखा जाएगा। और आ अलिफ मद जबर आ, देखिए ये जो मत चढ़ता है अलिफ पर, इसको इसका मतलब होता है ये बड़ा आ के बराबर हो गया है, यानी दो आ के बराबर हो गया है। बड़ा आ इस तरह से मद लगा के लिखा जाता है, तो कुर आ और नून से बना ना, तो इस तरह से क्या लिखा, कुरान, ये कुरान। जल्दी में हिंदी में कुरान लिखते हैं वो गलत है, इसको सही पढ़ा भी जाता है कुरान और कुरान ही लिखा जाता है। बिपिसबू लाम नून और दाल बुलंद, इस तरह से लिखा जाएगा। सीन सीन पेश सुस ते ये जिरती सुस्ती, इस तरह से लिखा जाएगा। पे ते लाम अलिफ, ठीक है ये पतला भी हो सकता, लेकिन पे पेश पू पा में छोटा की मतलब ते से ता पुत लाम अलिफ जल्ला पुतला, इस तरह से लिखा जाएगा। पितला भी इसी तरह से होगा, पतला भी इसी तरह से होगा, तो ये आपको समझना है कि ये हमने क्या लिखा है और क्या पढ़ना है। शीन पे सु मीमल जलमा सुमा और लाम से बना ला सुमाल। सीन पे सु जी मल जा सुजा और नून से ना सुजान, इस तरह से लिखा जाएगा। के बापिस खु और शीन से सा खुश। चे टे पेश चुट काफी इधर की चुट की, यहाँ पे भी देखिए बाओ से, इसमें बाओ से छोटा की मात्रा लग रही है, ठीक है यहाँ खुश में भी लगी, यहाँ खुश आमद में। खे वापिस खु और शीन से सा खुश। अलिफ मत जबर आ से बड़ा बन गया, मीम दाल से मद खुश आमद। गापिस गु उड़ा उड़े से अड़ा गुड़ ये लजरिया गुड़िया, इस तरह से लिखिए लिखा जाएगा। गाफ मीम पेश गुम नून अलिफ ना गुम ना और मीम से बना मा गुम नाम। कापिस कू ते पेश तू और बेसे बा कुतुब, ये पेश लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह पेश पढ़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा कुतुब। कापिस कू सीन पिसू और मीम से मा कुसुम, इस तरह से लिखा जाएगा। गापिस गू नून अलिफ ना गुनाह हे से हा गुनाह, इस तरह से लिखा जाएगा। गापिस गू नून अलिफ ना गुना, इस तरह से लिखा जाएगा। पे पिस पू काफल का पुकार रियल जर्रा पुकारा। दाल लाम पिस दुल दाल लाम पिस दुल दुल दुल। फे रे पिस फुर स्वात ते से सत फुर सत। गाफ लाम शीन नून गुल शन। खे वापिस खु और शा खुश। गाफ वाव अलिफ जबर वा और रे से रा खुश गवार। पे पेस पू लाम अलिफ जल्ला वाव से वा पुलाव। शीन पे शू जीन और जीम अलिफ जल्ला शुजा एन ते से अत शुजा अत। दाल बे पेस दुब लाम अलिफ जल्ला दुबला। स्वाद अलजर सा बे नून पिस बुन साबुन। सीन पिस सू दाल दो चश्मी है अलजर धा सुधा, इस तरह से लिखा जाएगा। हे नून पिस हिंद दाल बाव पिस दू हिंदू और सीन से बना सा हिंदू। ते अलजर ता और नून से बना ना हिंदुस्तान। मीम रे पेस मुर लाम ये जिली मुर ली। टे काप से टुकड़े अलजर्रा टुकड़ा, इस तरह से लिखा जाएगा। दोस्तों आज का लेसन यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, अगला आपको बड़ा ऊ की मात्रा ए की मात्रा आई की मात्रा कैसे लगेगी अगले लेसन में मैं बताऊँगा, तो अगला लेसन अगले संडे को मिस मत करिएगा, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि अगर किसी में से कोई सीखना चाहता है तो वो भी सीख सके। बहुत बहुत शुक्रिया।